हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा पहला स्पॉट है आज का। तो आज हम बहुत ही ख़ास फिश के लिए आए हैं, जिसको आप सुआ कहते हैं और मुलेवे इंग्लिश में कहते हैं और जीव फिश भी कहते हैं। तो विजिबिलिटी नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है। ये पहली डाइव है मॉर्निंग की, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। उम्मीद अच्छी है कि आज सुआ मिले। कल हमने बहुत देखे थे, लेकिन बस हमें यहाँ से जाना पड़ा। तो आज देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बल्कि मिलते हैं अंदर। तो यस दोस्तों, सुबह की पहली डाइव स्टार्ट की है। माशाल्लाह हम आज की माड़ी चैनल में डाइव कर रहे हैं और काफ़ी डीप है। देखें जैसे 20 से 25 मीटर तक की डेप्थ है। और देखें, यह पहली डाइव के ऊपर हमें बहुत ही बड़ी स्टिंग रे नज़र आई है। बहुत ही सैंडी एरिया है, इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह नहीं होता चैनल के अंदर, लेकिन इसके बॉर्डर जो हैं, यानी इसके बिल्कुल साथ ही जो है कुछ रॉकी एरिया हैं, वो हम देखेंगे। जैसे ये देख रहे हैं आपकी एक रॉकी एरिया है और विजिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा बैड है। तो हम मुलेवे सुआ फिश के लिए आए थे, लेकिन विजिबिलिटी की वजह से जो है ना, हम उसको सर्च नहीं कर रहे। नेक्स्ट डे पे छोड़ेंगे, अगर इसी तरह सर्च करेंगे तो डरेगा। एक हमने ग्रुपर अभी हिट किया है माशाल्लाह। इस एरिया में ग्रुपर्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ अभी आप डाइव करते हैं आपको ग्रुपर नज़र आते हैं। डेप बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ना होने के बराबर है। तो ये पहला ग्रुपर हमने जो है हिट किया है, लेकिन ऐसा है कि ये जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया विजिबिलिटी बहुत बैड है, तो उसकी वजह से जो है ना टारगेट करना फिशिज़ को बिल्कुल ही परफेक्टली जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हमने इसको हिट किया है, शूट लिया है उसको हमने, तो इसके बिल्कुल जो है हेड के अपर पार्ट पे लगा है और ये किसी टाइम भी निकल सकता है। तो बहुत ही इजीली इसको हम पुल कर रहे हैं कि ना ये निकले ना, ज़ाया ना हो, क्योंकि अब ये ज़ख्मी हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि ये ज़ख्मी हो के जो है ना भाग जाए या तकलीफ़ हो, तो ये हमारी खुराक का हिस्सा बन जाए। तो इसके लिए हम गाफ जो है, जिसको हम लोकली आंकड़ा कहते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे ही खींचूंगा तो ये निकल सकता है। तो हम इसको आंकड़े से लेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी नाइस साइज़ का ग्रुपर है और ये माशाल्लाह आ चुका है। तो ये हमने सेकंड डाइव की है, ये सेकंड डाइव है हमारी, थर्ड डाइव है सॉरी। और बहुत ही ज़्यादा जैसे ये मेरा फेवरेट जो है स्नैपर नज़र आया, गोल्डन स्नैपर, बहुत ही मैच्योर और अच्छा गुड साइज़ का स्नैपर है। और इसका स्पाइन शॉट हमने लिया है, देखें बिल्कुल भी हल्का हल्का सा मूव करता है, लेकिन ये भाग नहीं सकता क्योंकि इसका स्पाइन या बैकबोन के ऊपर स्पेयर लगा है, उसकी वजह से पैरालाइज हो गया है। तो बहुत ही नाइस साइज़ का ये स्नैपर है, गोल्डन स्नैपर, जिसको हम फिंगर मार्क कहते हैं। तो ये आया, देखें बहुत ही नाइस साइज़ है। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की पहली डाइव है जो हम किमाड़ी चैनल में कर रहे हैं। डेप बहुत ज़्यादा होती है, 22 से 28 मीटर तक की डेप्थ है, लेकिन इसके बॉर्डर के ऊपर कुछ रॉकी एरियाज़ हैं। जैसे देखें, ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन ये पैचेज़ हैं पानी के, ये सिर्फ यहीं पे है। थोड़ा सा आगे जाएंगे उधर वही बैड विजिबिलिटी हो जाएगी। देखें जैसे आगे जा रहे हैं ये विजिबिलिटी बैड होती जा रही है। तो ये हम सर्च कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डाइव है। लेकिन ओ माय गॉड, साइज़ देखिए क्वीन फिश का, ये आई थिंक 18-20 kg तक की मॉन्स्टर ट्रॉफी क्वीन फिशेज हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि यार आपको पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो है ना, ये लाइफ आपको कहीं नहीं मिलती जो आपकी अल्लाह ने आपको कराची शहर में क्लिफ्टन सी वी यू किमाड़ी के एरिया में दी है। जैसे अभी हम आए कुछ रॉकी एरियाज़ पे, ये जो है ना कुछ भी नेचुरली, ये कोई कुदरती पत्थर नहीं है, ये KPT वालों ने फेंके हैं और जो उनका काम होता है, जो उधर से माल मलबा निकलता है, तो ये चैनल के बॉर्डर पे इस तरह लगाया जाता है कि रेत कम से कम चैनल के अंदर आए। और ये देखें स्नैपर है, लेकिन एक सामने माशाल्लाह बहुत ही गुड साइज़ का ग्रुपर हमें देख रहा है। ये देखें ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट है और बहुत ही मुश्किल है, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल हेडशॉट, परफेक्ट हेडशॉट है, लेकिन पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इतनी लो विजिबिलिटी में जो है ना स्पेयर फिशिंग करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ना इतनी बैड विजिबिलिटी में और चैनल के स्पेशली चैनल में जो आप डाइव ना करें। देखें कितना फैटी और कितना मैच्योर साइज़ का ये ग्रुपर है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप डाइव करें, जितने भी फ्री डाइवर्स फैमिली के मेंबर्स हैं हमारे, क्योंकि ये बहुत चैनल है, शिप्स आते जाते हैं, चले शिप्स बहुत बड़ा आपको नज़र आता है, लेकिन जो हमारी फोर्सेस की स्पीड बोट्स हैं वो पता भी नहीं चलता, पलक झपकते वहाँ से गुजरेंगी और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी बहुत ही एहतियात के साथ इधर डाइव कर रहा हूँ और ये मेरी पहली ही डाइव है, इससे पहले मैंने कभी चैनल में डाइव नहीं की है। तो एक छोटी सी बोट है माशाल्लाह हमारी, ये मेरी टीम के मेम्बर हैं, तो ये अच्छा गुड साइज़ का ग्रुपर है। कि हम लेते हैं इसको, एक्चुअली हम यहाँ पे आए सुए के लिए। कल हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुए देखे थे, लेकिन हमें जाना पड़ा क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पीछे घूमते हैं हमारी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। तो हम नेक्स्ट डाइव करते हैं, ये भी बहुत ही रॉकी एरिया है, इसके ऊपर जा रहे हैं, देखें क्या होता है।
और ये माशाल्लाह सब कुछ परफेक्ट है। इधर थोड़ी सी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी है, और देखें ये कुछ स्नैपर दिख रहे हैं, गोल्डन स्नैपर दिख रहे हैं आपको। तो हम सर्च कर रहे हैं मॉन्स्टर ग्रुप पर, आवाज़ तो बहुत ज़्यादा है ग्रुप पर, जब आप नीचे जाते हैं भागता है तो उसकी टेल से जो वो पानी जो कट होता है उसकी एक आवाज़ बुम 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 इस टाइप की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा ना, तो आपको पता चलता है कि आसपास आपके। देखें एक और ग्रुप पर है, ये नाइस साइज का ये भाग गया है, और जो एक ग्रुप पर बहुत ज़्यादा है, हमें किसी मॉन्स्टर की तलाश है। तो हम डाइव पे डाइव कर रहे हैं, विजिबिलिटी और ज़्यादा बैड से बैड होती जा रही है। ये अब तक की जो है ना यहाँ पे समझें बेहतरीन विजिबिलिटी, इससे ज़्यादा आपको कभी भी विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती। तो फिर हम दोबारा एक थोड़ा सा आगे आके फिर रॉकी एरिया में डाइव कर रहे हैं। ये देखें सामने आप देख रहे होंगे ये स्नैपर नज़र आ रहे हैं आपको, काफ़ी लाइफ है यहाँ पे, लेकिन विजिबिलिटी ना होने की वजह से लाइफ बहुत कम है। ये देखें रेड स्नैपर हैं पीछे, और ये बहुत ही जाइंट साइज़ की ये स्वीट लीप है। हम स्वीट लीप देखें ग्रुप पर, देखें दो और ग्रुप पर भागे, ग्रुप पर इस एरिया में बहुत हैं, इसको ग्रुप पर पैराडाइज आप कह सकते हैं क्योंकि ग्रुप पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हम नेक्स्ट डाइव कर रहे हैं लेकिन विजिबिलिटी की वजह से ना वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है ना डाइव में मज़ा आ रहा है। फिर भी चले, हम बहुत ही थोड़ी देर के लिए आए, सिर्फ एक आध घंटा डाइव करेंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत बैड है। तो देखें नेक्स्ट डाइव कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कोई मॉन्स्टर ग्रुप पर हमें मिल जाए। ओ नो, ये देखें सामने कितना बड़ा, ओ ये देखें कितनी बड़ी टंकी, जिसको टंकी हम कहते हैं बहुत ही बिग ग्रुप पर को। तो माशाल्लाह बहुत ही मुश्किल है, सैंड भी सामने है, और ये देखें इसकी परफेक्टली शॉट है, और ये सेमी फ्रीज शॉट है, आप स्टोन शॉट कह सकते हैं। देखें बिल्कुल भी मूव नहीं करता, लेकिन बहुत ही जाइंट और नाइस साइज का ग्रुप पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि केमाड़ी के ग्रुप पर जो हैं जो बहुत 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 ही ज़्यादा फैटी होते हैं, तो ये ग्रुपर लेते हैं माशाल्लाह। देखें कितनी बैड विजिबिलिटी है, मैं नहीं कहता कि आप लोगों को इस एरिया में डाइव करना चाहिए, किसी को भी, बहुत ही डेंजरस एरिया है, विजिबिलिटी बहुत डेंजरस है, शार्क काफ़ी होती हैं इसमें, बुल शार्क होती हैं। जैसे अभी आपने क्वीन फिश देखी, अब कोई मानेगा कि यार क्लिफ्टन के किनारे के ऊपर 20 kg, 18 kg की क्वीन फिश आल घूम रहा हो, ऐसा नहीं है, ये सब मॉन्स्टर की जगह है। देखिए कितना फैटी ग्रुपर है माशाल्लाह, मेरा हैंड देखें जो मैंने इसके गिल्स में दिया है, और देखें और उसका हेड देखें, काफ़ी फैटी ग्रुपर है। और दूसरा ये कि यार जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो यूट्यूब पे मेरे जो है सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो जो क्लासेस लेना चाहते हैं, देखें क्लासेस तो माशाल्लाह हो ही रही हैं, लेकिन दूसरी मसला ये आ गया कि अभी जो है ना कराची शहर में एक जो आपकी इक्विपमेंट एसेसरीज़ हैं जो आप फ्री डाइविंग में यूज़ करते हैं वो अभी है नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी सेल्वीमर से हमारी बात चल रही है कि कंपनी रेट के ऊपर पाकिस्तान में कोई शॉप खोलना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, तो सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये क्या कह सकते हैं कि बस यही मैसेज है कि बस थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह 8-10 दिन वीक के अंदर अंदर जो है हम ये सारा सामान आ जाएगा, फिर जो है हम प्रॉपरली फ्री डाइविंग क्लासेस दे सकेंगे। और देखें ये नाइस साइज़ का ग्रुपर है, तो थोड़ा सा वेट करें, जहाँ ज़िंदगी में इतनी सांसें ज़ाया की हैं थोड़ी सी और ज़ाया करें। लेकिन ये कि यूट्यूब देखते रहें, चीज़ें देखते रहें, सीखते रहें, थोड़ा सा आपको समझ आएगी फ्री डाइविंग स्पेयर फिशिंग होती क्या है। तो जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह फिर जो है हम परफेक्टली इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये भी नाइस साइज़ का ग्रुपर है, ये हमारा जो है बोटमैन तो नहीं है लेकिन हमारा जो है ये एक पार्ट एक टीम का हिस्सा है। ये फारूक देखें अंदर, देखें आपको नज़र आ रहे होंगे बिग ग्रुपर नज़र आ रहे हैं। तो हम जो है ये नेक्स्ट डाइव करते हैं इंशाल्लाह, और ये जो है ये समझे बस लास्ट डाइव है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैड विजिबिलिटी है, बार बार नीचे जाना, डैप बहुत ज़्यादा है। देखें जाते रहे पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, वो भी मैं आपको कट कर के दिखाता हूँ, वरना एक मिनट तो आपको खाली जाने में ही लग जाता है। तो देखें ये फिर हम एक सैंडी एरिया के ऊपर उतरे हैं, थोड़े से पैचीज हैं रॉक्स के, ये देखें सामने आपको स्नैपर नज़र आ रहे हैं, और हम सर्च कर रहे हैं, और देखें ये कि ग्रुपर सामने से गया। ओ नो, ये देखें राइट के ऊपर, देखें कितना बड़ा ग्रुपर है, ये देखें ये गया, और इसके पीछे भी एक और है, ये इसके साथ दूसरा, ये 50 kg, 40+ kg के ग्रुपर है। और देखें ये दोनों बहुत बैड विजिबिलिटी है, एकदम गायब हो गए दोनों, तो भाग गए, लेकिन एक और मुझे देख रहा है, ये भी मॉन्स्टर ही लग रहा है। बिस्मिल्लाह करके शॉट लेते हैं, बिल्कुल अंदाजे से लेते हैं, ये हल्का हल्का सा जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है सिर्फ ये ही ग्रुपर हो सकता है। बिस्मिल्लाह करते हैं और शॉट लेते हैं, और ये देखें क्या होता है, और ये हमने शॉट लिया, ओ नो कुछ नहीं मुझे नहीं आप, ओ नो 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 नो, ये तो मॉन्स्टर, ओह माय गॉड, ओ शुक्र है, देखें कितना मॉन्स्टर, और बिल्कुल डेड फ्रेश शॉट लगा है इसका, देखें बहुत बड़ा मॉन्स्टर है ये, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि स्पेयर लग, मैं समझा कि किसी को हिट ही नहीं हुआ है, किसी को शूट लगा ही नहीं है, स्पेयर लगा ही नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर ग्रुपर है, माशाल्लाह। देखे इसका हेड, देखे इसका साइज, देखे कितना, मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में आपको इस साइज के ग्रुपर नहीं, देखे इनकी बैक देखें आप, देखें टमी देखें, मेरा हैंड देखें, बहुत ही ज्यादा फैटी है। ये जो आपको येलो फिशेज नजर आ रही है इसके साथ,
तो हमेशा इसके साथ ही रहती हैं, जैसे आपको पहले डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों रहती हैं। लेकिन ग्रुपर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा साइज का ग्रुपर, ये लास्ट ही डाइव थी हमारी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा साइज का ग्रुपर मिला है। और देखें शॉट कितना मजे का लगा इसके, देखें थोड़ा सा क्रॉस, हल्का सा माइनर सा जो है ना ब्रेन से, लेकिन ब्रेन शॉट ही है, देखें बिल्कुल फ्रीज हो गया, स्टोन हो गया, पत्थर की तरह ना हिलता है ना कुछ करता है, बहुत ही बेहतरीन ग्रुपर है ये। तो ये माशाल्लाह हमने इसको हिट किया है, देखें इसका साइज देखें तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसका ब्लड निकल रहा है, ये येलो फिशेज इसके साथ हैं, और बहुत ही अच्छा हो गया लास्ट टाइप के ऊपर, तो बहुत ही मोटा और ताज़ा जो है ना ग्रुपर है ये। देखिए इसके बबल्स निकल रहे हैं क्योंकि वो जो स्पेयर ने जो स्पेस बनाई है उसके अंदर जो है ये पानी जा रहा है और जो है ना बबल्स आउट हो रहे हैं इससे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैटी ग्रुपर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ भी आप भी ये सब कुछ, ये सारे मज़े, ये सब कुछ आप ले सकते हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, जैसे ही सामान पाकिस्तान में आ जाएगा तो हम फ्री डाइविंग स्पेयर फिशिंग की क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे। और आप बिलीव कीजिए सिर्फ एक साल या दो साल के अंदर ना वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये मेरा वादा है आपसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेयर फिशिंग की पाकिस्तान के अंदर होगी, क्योंकि ये लाइफ जो अल्लाह ने हमें दी है दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये हमारा क्लफ्टन है, ये भी थाईलैंड और दूसरी कंट्रीज़ की तरह जो है ना आपका बिल्कुल ब्लू क्रिस्टल पानी होता है, लेकिन ये हमारी गलती है या गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे क्लफ्टन पे, सारा जितना भी इतना बड़ा शहर है सबका सीवरेज पानी यहीं गिरता है। तो थोड़ी सी हम अगर जो है फोर्स करेंगे और थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को कबूल करेंगे तो ये जो है ना हमारे समंदर भी इसी तरह हो जाएंगे जैसे आप गोरख के समंदर देखते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल ब्लू, दो दरिया देखें आप, अपना क्लफ्टन देख लें, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको पानी बहुत साफ है, लेकिन ये सब गंद है नीचे, ये हमारी वजह से जो है ना ये सारा, देखिए पानी ऊपर विजिबिलिटी अच्छी होती है लेकिन जो नीचे रॉकी एरिया होता है उस पर इतनी कालक और इतनी गंदगी जाके बैठ जाती है कि लाइट जाती तो है सूरज के अंदर लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती, जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो बहुत 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 नाइस साइज का ग्रुपर है माशाल्लाह, देखें कितना जॉइंट ग्रुपर है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है, देखें पानी को किस तरह जो है ना ये उछाल रहा है, और देखें कोशिश कर रहे हैं हम इसको पकड़ने की, दोनों हम मिलके इसको उठाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फैटी ग्रुपर है और ये हमने इसको उठाया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नए डे नए दिन के साथ, और जब तक अपना ख्याल। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो आज का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, विजिबिलिटी बहुत बैड थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ। पहले दो पॉइंट तो आपने देखे कि इतना खास नहीं था क्योंकि विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तीसरे पॉइंट पे बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। तो क्या हुआ तो देखिए ये क्या हुआ। ओ बेबी, यस, दिस इज माय बिगेस्ट नाइस साइज। हाँ, इसके अलावा ये भी बहुत अच्छे साइज है, one of my favorite golden snapper finger mark. तो सब कुछ अच्छा था, visibility bad थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत अच्छी dive हुई। देखते हैं next day क्या होता है, अभी सर्दी start हुई है, आगे फिर बहुत कुछ होने वाला है, तो फिर मिलते हैं break के बाद।